हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 128 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखो आज का सवाल क्या है हम लोगों का, बोल रहा है ए शॉपकीपर परचेज अ टॉय फॉर कितना रुपीज 900। एक शॉपकीपर एक टॉय को जो खरीदता है वो कितना में खरीदता है, 900, यानी कि सीपी हमारा कितना हो गया 900। बोल रहा है ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द टॉय इन सच अ वे डैट आफ्टर अलाउइंग एक्स परसेंट, इस तरीके से मार्क करता है कि एक्स परसेंट का डिस्काउंट देने के बाद ऑन द मार्क प्राइस ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ कितना 10%। कितने परसेंट का प्रॉफिट बनाता है, 10% का प्रॉफिट बनाता है। तो एक कॉमन सा चीज़ आप लोगों को पता होगा, ये एमपी बाई में सीपी बराबर में हमारा क्या होता है, 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट बटे में 100 माइनस में क्या डिस्काउंट परसेंट, इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो पहला कंडीशन में हम लोगों को क्या बोल रहा है, एम पी बाई में सी पी, कि जब वो एक्स परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है तो 10% की प्रॉफिट हो रही है। ठीक है, यानी 10% की प्रॉफिट हो रही है और डिस्काउंट उसने कितना का दिया, 100 माइनस एक्स परसेंट का दिया। ठीक है, बोल रहा है कि बट आफ्टर अलाउइंग 2x%, लेकिन यदि जब वो 2x% का डिस्काउंट देता है ऑन द मार्क प्राइस ही मेक्स अ लॉस ऑफ क्या 40%, वो क्या करता है 40% का लॉस बना देता है। तो यानी कि फिर हमारा एम पी और सी पी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 40% का लॉस हो रहा है यानी कि क्या माइनस में 40, फिर बटे में 100 माइनस में क्या होगा 2x हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये रेशियो ही है तो एम पी और सी पी का रेशियो दोनों ही कंडीशन में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी चीज़ को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा हमारा 110 बटे में 100 माइनस में x बराबर में, यहाँ पे हो जाएगा 60 बटे में 100 माइनस में 2x। ठीक है, ये जीरो को काट देगा, यानी कि इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 माइनस में क्या 22x बराबर में 600 माइनस में क्या 6x। ठीक है, 1100 में 600 चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 500। ठीक है, और इधर 22x में से 6x चला जाएगा यानी कि कितना 16x, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 500 बटे में क्या 16। अब हमसे पूछा क्या है, पूछ रखा है व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय, टॉय का मार्क प्राइस क्या है। अब चाहो तो इनका यूज़ कर लो या फिर ये वाले का एम पी और सी पी के साथ रेशियो कर लो, क्योंकि सी पी तो हमें मालूम है 900, एम पी निकालना है, 2x भी मालूम हो चुका है। तो आसान यहाँ पे x पे ही बैठाना है तो यहीं पे हम लोग बैठाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एम पी बाई में सी पी, सी पी हमारा कितना है 900 है। ठीक है, इज इक्वल टू 100 प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 बटे में 100 माइनस में क्या हो जाएगा 500 बटे में कितना 16। ठीक है, 1600 में 500 चला जाएगा हमारा तो कितना बचेगा 1100, यहाँ पे वैसे ही रहने देना है। एम पी बाई में 900, ऊपर में ऐड किया तो मिला हमें 110, नीचे में घटा दिया तो कितना मिला 1100 बटे में 16 है, ऊपर में चला जाएगा 16, 11 से कट जाएगा ये 10 बार में, 00 यहाँ से ख़त्म। एम पी जो निकल जाएगा वो क्या निकलेगा, 16 × 19, और यही हमारा 16 × 19 हमें देगा ₹1440, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 1440। ठीक है, जस्ट इसे रेशियो पे बनाना था, रेशियो दोनों का इक्वल कर दो और इसे डायरेक्ट यहाँ पे तुम रेशियो से ले आओ आंसर 1440। ठीक है, होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।